नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। संत कबीर नगर से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कम नामांकन का एक मामला सामने आया था। लक्ष्य ना प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रति कार्रवाई होगी, अब बीएसए ये कह रहा है। दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कम नामांकन पर 4 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को चेतावनी दे दी गई है। नामांकन का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीएसए ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। बीएसए ने एक बैठक की और बैठक में साफ तौर पर कह दिया है कि जो विद्यालय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। कम नामांकन पर 4 स्कूलों को नोटिस भी थमा दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को चेतावनी तक दे डाली है। नामांकन का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीएसए ने महत्वपूर्ण बैठक की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कम नामांकन पर 4 विद्यालयों को नोटिस भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी हेमंत सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, बीएसए ने बैठक कर ली है, नामांकन का लक्ष्य पूरा करना होगा, अगर स्कूल ऐसा नहीं करते तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा असर हुआ है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का। जी काजोल, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कम नामांकन को लेकर जो है योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि जल्दी से जल्दी जो लक्ष्य है यूपी सरकार द्वारा दिया गया था वो जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन उस लिस्ट में जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट पर लिस्ट डाली गई थी उसमें संत कबीर नगर जो है 74वें नंबर पर दिखाई दे रहा था। तो इसके मद्देनजर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया था और उसका एक बड़ा असर जो है देखने को मिला है। और बीएसए संत कबीर नगर ने आपात मीटिंग बुलाकर सभी ब्लॉक वार जो है मीटिंग करके जो है निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालयों को कि 20 बुधवार तक जो है नामांकन में 20% का इजाफा देखने को मिलेगा, जिसमें 4 विद्यालयों को कम नामांकन के लिए नोटिस भी दिया गया और जो शिक्षक नामांकन कराने में जो है लापरवाही बरत रहे हैं। आप तो फील्ड में मौजूद रहते हैं, क्या असर नजर आ रहा है इसका, जो नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं स्कूलों को? जी, खासा असर देखने को मिल रहा है काजोल, और बेसिक शिक्षा विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और भी संत कबीर नगर बिल्कुल जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का जो संज्ञान लेकर जो है सभी जितने भी लोग लापरवाही बरतते हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसी क्रम में जो है 4 विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है और जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी बीपीएससी ने जारी कर दी गई है। तो कुल मिला जुला के ये काजोल कहा जा सकता है कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया का संत कबीर नगर में एक बड़ा असर देखने को मिला है और शिक्षा विभाग में इस खबर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और जल्दी से जल्दी जो नामांकन का प्रतिशत जो लक्ष्य रखा गया है उसको जो है पूरा करने के निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। जी काजोल, ठीक है, मन शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना कर रखिएगा, अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। तो 4 स्कूलों को नोटिस भेज दिया गया है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। 4 स्कूलों को नोटिस बीएसए की तरफ से दे दिया गया है। बीएसए ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि जो भी ऐसे स्कूल हैं जो नियमों को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। बस्ती से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जिले के महाराणा प्रताप चौक पहुंचे, जहां बीजेपी सांसद महाराणा प्रताप की जयंती पर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन साधु संतों आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था। उन्होंने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन राम के वंशजों को पीटते हैं उन्हें राम के दर्शन करने आए हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, अयोध्या सबकी है, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले जिनको भी आपने तकलीफ दी है उनसे माफी मांगिए। हम उत्तर भारतीय हैं, ये उत्तर भारतीय का मुद्दा है, इसमें मुसलमान भी आते हैं, इसमें हिंदू भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, दलित भी आते हैं। ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है, ठाकुर का मुद्दा नहीं है, इसको हल्का मत करिए। ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है और ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है और ये मुद्दा मेरा आज का नहीं है। ये 2008 से मैं तलाश रहा था कि श्रीमान जी कहीं मिल जाए, मिले नहीं,
क्योंकि वो एक दरबे में रहते हैं, दरबे में, वो मुंबई के बाहर नहीं निकलते, वहाँ पीटते हैं लेकिन मुंबई के बाहर नहीं निकलते हैं, हैं पहली बार निकल रहे हैं। इसलिए मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, हम सब लोग, आप भी राम के ही वंशज हैं, और जिन राम के वंशजों को वो पीटते थे, आज उन्हीं का राम का दर्शन करने आ रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या सबकी है, आइए। कुशीनगर में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर प्रताप सेवा संस्थान से जुड़े सदस्यों ने नगर के बावली चौक स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर युवाओं की टीम ने रक्तदान किया। संस्थान के अध्यक्ष अशोक सिंह ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पहुंचकर फीता काटा। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान एक पुनित कार्य है, हर व्यक्ति को इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि एक बोतल खून किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। श्रावस्ती में दुष्कर्म पीड़िता के घर सपा का डेलीगेशन पहुंचा। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाई दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री एसपी यादव और विधायक इंद्राणी वर्मा ने पीड़िता के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की, साथ ही न्याय का भरोसा दिया। बता दें कि 6 मई को आरोपी ने महिला को घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित का लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला सोनवा थाना क्षेत्र के चुलटी गांव का बताया जा रहा है। बहुत ही दुर्दांत घटना हुई है, और हम लोग जब गांव में आए हैं, ये श्रावस्ती जनपद का बहुत ही पिछड़ा गांव है, जहां पर जिस तरीके से दरिंदगी की गई, एक महिला जो भिक्षा याचन करके अपने बच्चों का, परिवार का पेट पाल रही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो बच्ची है 1 साल की, एक बच्ची है करीब 3 साल की, और एक बेटा है 11 साल, और उसके साथ सत्ता से संरक्षित व्यक्त है। ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत भालीचूर ग्राम सभा में कोटे का चुनाव हुआ था, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी खुशी मना रहे थे, लेकिन सुबह से कड़कड़ाती धूप में वोट देने आई जनता परेशान हो गई और वो अपने घर चली गई। जब इस संबंध में एडीओ पंचायत देवेंद्र कुमार पटेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों में सामंजस्य नहीं बन पाने की वजह से चुनाव को अगले डेट के लिए टाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रुद्रपुर SDM संजीव कुमार उपाध्याय ने अगले डेट के लिए कोटा चुनाव बढ़ाने का आदेश दिया। कोटे का चुनाव यहाँ पे जितने प्रत्याशी थे आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पे काफ़ी विवाद की स्थिति आ गई है, काफ़ी भयावह स्थिति आने के बाद माननीय वो SDM सर से बात होने के उपरांत आज की बैठक को स्थगित किया गया है। फिर SDM साहब के निर्देश क्रम में जैसा भी आगे आदेश होगा, इसकी सूचना ग्राम पंचायत को 15 दिन पहले दे के फिर से कोटे का चयन कराने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अगला डेट कब पड़ने का उम्मीद है? ये माननीय SDM साहब के स्तर से ही होना है, तहसील स्तर से जैसी भी डेट हमको मिलता है यहाँ से विकासखंड से मेरे जाएगा। भालीचौर में आज कोटा चयन को लेकर यहाँ पर चुनाव होना है, और गांव की जनता यहाँ पर एकत्रित हो गई है, और ब्लॉक से कर्मचारी भी आ गए हैं। आपको बता दूं कि कोटे का चुनाव लेकर आज जनता यहाँ पर आई हुई है, और मुझे लग रहा है कि आज चुनाव को टाल दिया जाएगा और अगला डेट दिया जाएगा। देखिए अधिकारी डिसीजन क्या लेते हैं कि अगला चुनाव कब होगा। शहर की पुरानी बस्ती निवासी आर्यंश अरोरा ने अपने नए रैप सॉन्ग लाइफ में 20 भाषाओं का प्रयोग कर आर्यंश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। ये पहला ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक व्यक्ति ने 20 भाषा का एक सॉन्ग में प्रेजेंट किया है। उनकी उपलब्धि पर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने प्रस्तावित पत्र और गुलदस्ता भेंट कर जिला कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कठिनाइयाँ कुछ इस प्रकार थी, जिनमें से कई भाषाएं जो इंडिया की थी उससे मैं जानकार था, जैसे इंडिया हिंदी, इंग्लिश, आपकी होगी नेपाली साइड से जो बांग्लादेश में चलती है, और बांग्ला हो गई, ऐसी कई भाषाओं से मैं परिचय था। बाकी मेरे को अच्छा संगीत सुनने का हमेशा से शौक रहा है, तो मैंने कभी देखा नहीं कि कौन से भाषा का मैं गाना सुन रहा हूँ। मैं हमेशा से सुनता था, तो मेरे को पता था कि इस किस भाषा को किस तरीके से बोला जाता है। तो बाकी जो कठिनाइयाँ इसमें ये थी, खाद्य और पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को देवरिया जिले के जिला मुख्यालय के सुभाष चौक पर सपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद, पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर, सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव प्रमुख रूप से शामिल थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद और जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार बनी है, तब से खाद्य और पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। आम जनता की महंगाई के कारण कमर टूट गई है। Yeah.
और अब खबर गोंडा जिले से, जो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या दौरे का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के नंदिनी नगर में संत सम्मेलन किया। ब्रजभूषण ने कहा कि संतों के आदेश और संतों से बैठक परामर्श के बाद आगे की रणनीति बनेगी। इसी क्रम में सुबह से ही सांसद के आवास और नंदिनी नगर में संतों और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। लगभग 11 बजे मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास और तपस्वी छावनी के महंत के अलावा अयोध्या के 13 अखाड़ों के संतों की अगुवाई में तमाम संत पहुंचे। कि मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि राज ठाकरे उत्तर भारतीय से खुद के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है, अब दुर्व्यवहार की बात आएगी तो बड़ा लंबा टकरा है। माफी मांगे आवे, मेरा कोई विरोध नहीं है। अब तो राज ठाकरे माफी मांग भी ले और 5 तारीख को अब नहीं आ सकते, क्योंकि 5 तारीख को अयोध्या पूरा होल अयोध्या उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया और अब जगह नहीं है। 5 लाख का मेरा आह्वान है। गोरखपुर विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर गोरखपुर के पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसएसपी विपिन ताड़ा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर पुलिसकर्मियों और सिविलियन ने रक्तदान किया। आज पुलिस लाइन में थैलेसीमिया डे के अवसर पर हमारे पुलिस आरक्षी शिवम बोझ और पुलिस आरक्षी मुकेश ने हमारे नौजवानों के साथ मिलकर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अभी तक 35 से ज़्यादा लोगों ने रक्त दिया है और अभी और कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा और जनता के सम्भ्रांत नागरिकों द्वारा भी रक्तदान किया गया है। उद्देश्य है कि रक्त की कमी कहीं किसी जगह पर ना आए, जिसको भी ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार रक्त मिले और समाज में जागरूकता आए। रक्त देने से किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती। संत कबीर नगर की खलीलाबाद नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल ने आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क शुरू कर दिया। जगत जायसवाल ने कहा कि वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में नगर पालिका खलीलाबाद विकास के मामले में पीछे रहा है। पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल ने कहा कि मेरा सपना है कि खलीलाबाद में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाएं। पूर्व चेयरमैन खलीलाबाद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने सुनी। खलीलाबाद नगर पालिका इस समय चर्चा में है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर खलीलाबाद नगर पालिका पर लग रहे हैं और खलीलाबाद नगर पालिका की मौजूदा स्थिति क्या है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल जी, जो विकास पुरुष के नाम से भी पिछले कार्यकाल में जाने जाते रहे हैं और खलीलाबाद में संभवतः हर क्षेत्रों में एक ज़बरदस्त विकास देखने को मिला है और वही विकास पुरुष जो है जगत जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर खलीलाबाद नगर पालिका में जो क्रियाकलाप चल रहा है उसको जगत जी किस नज़र से देखते हैं। सर्वप्रथम नगर पालिका परिसर खलीलाबाद की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे मीडिया के लोग को भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। नगर पालिका परिषद खलीलाबाद का जब मैं निर्वाचित हुआ था 2012 में, उस समय हमारा शहर काफ़ी पीछे था, करीब 50 साल के पीछे ही था। विकास कार्यों की कोई रुचि किसी चेयरमैन ने उस समय नहीं ली। सर्वप्रथम जब मैं निर्वाचित हुआ तो मैं अपनी शहर की रूपरेखा को देखा, उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया। प्लान बना के मैंने वर्क करना शुरू किया तो हमको लगता है कि हम 10 साल आगे निकल चुके थे, आज के दौर से 10 साल आगे निकल चुके थे। और करते करते इतना हम उस वर्कों में व्यतीत हो गए, मुझे समय कम पड़ गया। जनमानस की जो सोच थी, जो उनको सुविधा चाहिए थी, वो मैं पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर पाया समय के अभाव की वजह से। आज भी अपने शहर को मैं देखता हूँ, जो 5 साल पहले मैंने वर्क किया था वो सुदृढ़ हो गई,
उसकी व्यवस्था सही हो नहीं पाई और मैं उसको देख के दुखी भी हूँ। अगर वर्तमान समय में न कुछ निर्माण कराया जाता, केवल उसको मेंटेनेंस करा के दुरुस्त कर दिया जाता तो प्रक्रिया आज भी वो मजबूत रहती और दिखता, जनमानस सुखी सुविधा से रहती, हल्ली हुल्ला नहीं होता, जल जमाव नहीं होता, रोडों की दुर्दशा खराब नहीं होती, वार्डों की को संचालित कर देते, सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती। करना चाहिए, आदमी की सोच अपनी बदल करके जनता पे ध्यान देना चाहिए। जनता को क्या चाहिए, जनता को मुहैया करना चाहिए। इसी जनमानस की वजह से मैं पहचाना जाता हूँ। उस जनमानस की रूपरेखा अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमारे कर्तव्यों निर्वहन का कोई मतलब नहीं है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिस पद पर मैं कायम हूँ, लोग कायम रहते, उस पद का ध्यान रखना चाहिए। आगे भी अगर वो प्रक्रिया में जाना चाहेंगे तो जनता क्वेश्चन सवाल करेगी, हम दे नहीं पाएंगे। जनमानस हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, जनमानस नहीं रहेगा तो हमारा रहना ना रहना बेकार है। जगत जी, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में क्या योजनाएं आपने चलाई थी शहर के लिए, खलीलाबाद के लिए, और वो धरातल पर आपको नज़र नहीं आ रही हैं, क्यों आप दुखी हैं? नगर पालिका का दायित्व और वर्क पहला तीन चीज़ से निर्वहन करता है, सफाई, लाइट, जल निकासी, वार्डों की सुरक्षित व्यवस्था, कूड़ों का निस्तारण, जल निकासी की पूरी व्यवस्था, शहर में जनमानस को शौचालय की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों का संचालित होना अनिवार्य है। निर्माण अपनी जगह है, वार्डों का विकास अपनी जगह है, ये छोटी चीज़ें हैं जिसमें पैसा शासन से कोई स्कीम या योजना के तहत नहीं ला जाती, ये राजवित का वर्क है, राजवित में ये सारे वर्क किए जाते हैं, ये शासन पहले से ही मुहैया करा रखी है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है, रोज़गार के साधन जो है सृजित करने की ज़रूरत है खलीलाबाद नगर पालिका को, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था 5 सालों में वो नहीं हो पाया है और जनता उसको बहुत बारीक नज़र से देख रही है खलीलाबाद के डेवलपमेंट को, और मूलभूत सुविधाएँ जो नगर पालिका खलीलाबाद में होनी चाहिए वो शायद डेवलप नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर। श्रावस्ती में मामूली कहासुनी के चलते एक गांव में दोपक्षीय विवाद हो गया और देखते देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दबंगों का पूरा परिवार एक महिला के घर में घुस हमला करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। किसी राम का लड़का जसवंत और यशपाल जसपाल और नरेश वर्मा और बुरई, ये लोग घर पर घुसे हैं। अर्जुन और प्रहलाद 7-8 लोग घर पर घुसे हैं। द्वारे कहीं तक हम हमारे लिए दूरों पैर टूट गए, मेरे हाथ के यहाँ चोट आए, भाई चोट है, बहन के भी चोट आए। श्रावस्ती के जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा है कि यातायात नियमों का 100% अनुपालन कराया जाए, उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ निर्धारित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर कमेटी का गठन कर दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाए और पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दिया जाए। शहर के प्रमुख मार्गों पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएँ। श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भींगा के रेंज में स्कूटी से जा रही महिला नियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बुलाकर घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र बालापुर गांव निवासी बाइक सवार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है।
कुशीनगर कलेक्ट्रेट परिसर में अनधिकृत रूप से डेरा जमाए कोट के मुंशियों पर जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अभियान का नेतृत्व उप जिलाधिकारी व्यास नारायण और सीओ सदर कुंदन सिंह कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में अनधिकृत रूप से गैर पंजीकृत कुछ कोट के मुंशियों द्वारा सरकारी परिसर और भवनों में अवैध रूप से कब्जा जमाया गया था। कब्जे की जगह पर इनके बैठने हेतु तखट, टेबल और अन्य सामान को हटाया गया है, जगह खाली करवाई गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में